Hey guys, I'm Vasudev और आप देख रहे हैं Mixed with Vasudev। तो फाइनली बारी है मंथली कॉन्टेस्ट के रिजल्ट्स की, जिसका काफी लोग इंतजार कर रहे थे। एंड यहाँ तक कि मुझे छोड़ो, मेरी अकेडमी के नंबर पे कॉल्स आ रहे थे कि इस बार मंथली कॉन्टेस्ट का जो रिजल्ट है वो कब आएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिजल्ट्स की और देखते हैं किस किस को मिलता है ये सेट अकूस्टिक फोम का, जिसके अंदर 18 पीसेस हैं पिरामिड फोम के, जो कि स्पॉन्सर किया गया है YGM Acoustics की तरफ से। रिजल्ट्स को अनाउंस करने से पहले एक चीज मैंने ऑब्जर्व की कि ये वाला मंथली कॉन्टेस्ट काफी लोगों के लिए बहुत ट्रिकी था, और मैंने ये रियलाइज किया कि बहुत दिक्कत हो रही थी लोगों को मल्टीपल वोकल लेयर्स को मिक्स करने में। तो इनकेस अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं उस वाले प्रोजेक्ट का ब्रेकडाउन आपको दिखा सकता हूँ एक स्पेसिफिक वीडियो में, कि कैसे मैंने इतनी सारी वोकल लेयर्स को मर्ज किया, कैसे उनको मिक्स किया, कैसे उनको स्टीरियो स्पेक्ट्रम में इस तरह डिवाइड किया कि सारी प्रॉपर्ली ऑडिबल भी है, प्लस कोई भी आपस में क्लैश नहीं कर रही। तो नीचे जरूर कमेंट करके मेरे को बताना, अगर काफी सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मैं उसका भी एक प्रोजेक्ट ब्रेकडाउन वीडियो बनाऊंगा। भाई अगले कॉन्टेस्ट का क्या प्राइस है? इतनी भी क्या जल्दी है तुझे? भाई मैं तो इसीलिए जानना चाहता था कि अगर कोई काम की चीज लगी मेरे को, मैं तभी पार्ट लूंगा। अच्छा अच्छा, क्योंकि तुझे तो पता ही है मैं कितना बिजी रहता हूँ। हाँ भाई बिल्कुल। तो गाइस चलते हैं रिजल्ट्स पे। तो रिजल्ट्स को अनाउंस करने से पहले मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि काफी सारी ऐसी एंट्रीज थी जो आप लोगों ने अपलोड की थी, जिनमें कुछ पार्ट्स काफी ज्यादा अच्छे थे और मुझे सुनते ही पता चल गया ये टॉप 3 में आनी चाहिए। लेकिन जब मैंने पूरी एंट्री को सुना तो मुझे रियलाइज हुआ कि अगर एक पार्ट अच्छा है तो एक पार्ट में काफी गड़बड़ हो गई है। तो उसी चीज के बेसिस पे मैंने टॉप 3 एंट्रीज को सिलेक्ट किया। टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं पर्सनली आप लोगों को बताऊं तो शायद कुछ एंट्रीज हैं जिनको मेरे को टॉप 3 में इस रीजन की वजह से डालना पड़ा कि उनका जो ओवरऑल ट्रैक है उसमें कुछ मेजर गड़बड़ नहीं है, जबकि ऐसा होना चाहिए था कि टॉप 3 में वो एंट्रीज आनी चाहिए थी जिनका मिक्स एक्सेप्शनल हो। तो मैंने इसी बेसिस पे उनको सिलेक्ट किया है कि उनका ऐसा कौन सा पार्ट है जो सबसे अच्छा था, या जो ऐसा उन्होंने अपने मिक्स में डाला है जो और किसी ने नहीं डाला। तो जो थर्ड पोजीशन है वो जाती है रवि कश्यप आरवी को। लेट्स लिसन टू हिज एंट्री और देखते हैं इन्होंने क्या अपलोड किया था। आएगा नहीं मेरा वक्त, आएगा नहीं वक्त, मेरा सारे नजारे बताएगा, फोन करेगा तो हूं बिजी मेरा आऊंगा, छोले भटूरे वांग इंडस्ट्री में खाऊंगा, पढ़ाया मैं चढ़ाया तुसी जो फिर दुनिया रुलाउंदे ने। राइट, तो जैसे कि आप लोग सुन सकते हैं, दो पॉइंट्स थे जो मेरे को इस एंट्री में बहुत अच्छे लगे। पहला ये था कि इट इज वेल बैलेंस्ड, सारी लेयर्स का इन्होंने यूज किया, एट द सेम टाइम वो बैलेंस मेंटेन करके रखा जो कि ओरिजिनल सॉन्ग में था, जो कि इवेंचुअली आर्टिस्ट का प्रेफरेंस था, तो वो एक चीज बहुत जरूरी थी, विच इज रेफरेंसिंग। और जो सेकंड पॉइंट मेरे को अच्छा लगा वॉज द राइट अमाउंट ऑफ सैचुरेशन। काफी सारी एंट्रीज है उन्होंने वोकलिस्ट का टेक्सचर ऑब्टेन करने के लिए इतनी ज्यादा सैचुरेशन डाल दी अपने वोकल्स में कि वो अलग से सुनाई तो दे रहे थे लेकिन काफी ज्यादा चुभ भी रहे थे कानों में। तो इन्होंने सैचुरेशन का भी सही अमाउंट ऑफ यूज किया है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि इसके मास्टर पे और प्रिसाइजली काम हो सकता था। नेवर्थलेस इट्स अ गुड अटेम्प्ट, सो इसीलिए कांग्रेचुलेशंस फॉर द थर्ड पोजीशन। तो इसी के साथ अगर हम सेकंड पोजीशन पे चलें तो जो सेकंड पोजीशन है वो मिलती है ऋत्विक को। लेट्स लिसन टू हिज एंट्री और देखते हैं इन्होंने क्या अपलोड किया था। आएगा नहीं मेरा वक्त, आएगा नहीं वक्त, मेरा सारे नजारे बघाएगा, फोन करेगा तो हूं बिजी मेरा आऊगा, छोले भटूरे वांग इंडस्ट्री में खाऊंगा, फड़ाया मैं हथ चढ़ाया तुसी जो साले हूं बुरा हक किसी देना आऊगा, चंगे लगते ने बंदे ककते ने दिल च बैर बोल दिल रखते ने नख रखते रातों ना डरते सिर ते साले वेले चढ़ते ने सापे करते ना पेलते रातां नूवे पासे मुड़दे प्यार पाउंदे प्यार मुड़दे प्यार खोंदे प्यार रोंदे लै के कल्ले अथरू चोंदे फिर प्यार चोंदे ऐ साले इन्ने मोंगे ने सुख तो हथ धोंदे ने कदरी वखाउंदे ने जिंदगी गवाउंदे ने फिर दुनिया रुलाउंदे ने। राइट, तो जैसे कि आप लोग सुन सकते हैं, अगेन एक बहुत ही अच्छी एंट्री थी। पिछली एंट्री से कैसे बेटर थी, थोड़ा सा इसका मिक्स ज्यादा टाइट था, एंड नॉट जस्ट वोकल्स, अगर आप लोग म्यूजिक पे भी ध्यान दें तो म्यूजिक की भी डेफिनेशन बहुत अच्छी दी हुई थी, म्यूजिक के भी डायनेमिक्स काफी अच्छे थे, म्यूजिक काफी पंची था और उसमें क्लैरिटी इंटैक्ट थी। सो अगेन कांग्रेचुलेशंस फॉर द सेकंड पोजीशन। इसी के साथ अगर हम बात करें फर्स्ट प्राइज की, तो जो फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट प्राइज है, वो मिलता है जिन म्यूजिक्स को। लेट्स लिसन टू हिज एंट्री और देखते हैं इन्होंने क्या अपलोड किया था।
ਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਕੱਕਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਚ ਵੈਰ ਬੁਸ ਦਿਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅੱਖ ਰੱਖਦੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਲੇ ਵੇਲੇ ਚੜਦੇ ਨੇ ਸਿਆਪੇ ਕਰਦੇ ਮਾਪੇ ਰੋਂਦੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜਦੇ ਪਿਆਰ ਪਾਉਂਦੇ ਪਿਆਰ ਮੁੜਦੇ ਪਿਆਰ ਖੋਂਦੇ ਪਿਆਰ ਰੋਂਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਅਥਰੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਲੇ ਇੰਨੇ ਪੌਂਗੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਨੇ ਵਿਗੜਦੇ ਦੀਪਾ ਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਰੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ राइट तो जैसे कि आप लोग सुन सकते हो काफी अमेजिंग एंट्री थी। एक और एंट्री जो काफी ज्यादा टाइट साउंड कर रही थी, काफी मजेदार साउंड कर रही थी। एक फैक्टर जो मेरे को इसमें सबसे अच्छा लगा जो बाकी किसी एंट्री में मेरे को नहीं मिला वाज लो एंड। जो लो एंड की मिक्सिंग थी वो काफी प्रिसाइज थी एंड आई एम प्रीटी श्योर जिन भी लोगों ने इस कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया होगा काफी सारे लोगों के पास प्रोफेशनल मॉनिटर्स या प्रोफेशनल हेडफोन्स नहीं होंगे, जिस रीजन की वजह से क्या होता है वो जो लो एंड है वो प्रॉपरली मिक्स नहीं कर पा रहे थे। तो इस एंट्री का जो लो एंड था वो बहुत टाइट साउंड कर रहा था एंड नॉट जस्ट That, vocal layers भी काफी prominent थी, at the same time सारी आपस में glue कर रही थी अच्छे से। एक छोटा सा pointer जो मेरे को लगा was vocal tuning, जिसको नहीं छेड़ना चाहिए था कायदे से, लेकिन trust me अगर मैं mix और mastering point of view से देखूं, तो मुझे इस entry से better tonal balance और किसी entry का नहीं लगा, because किसी में या तो saturation बहुत ज्यादा थी जिस वजह से वो चुभ रहा था कानों में, या किसी में low end काफी ज्यादा था जिस वजह से vocal suppress हो रहे थे। तो इस video को conclude करने से पहले एक और चीज थी जो मैंने observe की, काफी सारे लोगों ने मेरा जो original गाना था उसी को एक कॉपी कर दिया, YouTube टू MP3 कन्वर्टर्स की मदद से डाउनलोड करके Instagram पे पोस्ट कर दिया, लेकिन वो एक चीज तो भूल ही गए कि YouTube पे जो आप लोग गाना सुन रहे हो वो भी मेरा ओरिजिनल मिक्स नहीं है, क्योंकि उसको भी YouTube ने कंप्रेस किया हुआ है। तो अगर आप उसको दोबारा से डाउनलोड करते हो तो यानी डबल डबल कंप्रेशन हो रहा है, और फिर अगर Instagram पे डाल रहे हो तो ट्रिपल कंप्रेशन हो गया, जिसकी वजह से क्वालिटी में काफी लॉस आएगा। तो ये कैसे मेरे को पता चला, मैंने स्टीरियो प्लेसमेंट चेक की एलिमेंट्स की, मैंने लेवलिंग चेक की, प्लस मैंने टोन्स चेक की कि कैसे मैंने टोन्स डिजाइन की थी ओरिजिनल गाने में, और वो डिट्टो की डिट्टो सेम साउंड कर रही थी। वो बोलते हैं ना नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, तो इसीलिए अगली बार थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करना और जेन्युइनली अटेम्प्ट करके एंट्री भेजना अपनी, बिकॉज़ यहां पे मैं बेस्ट एंट्री इस बेसिस पे नहीं ढूंढता कि आप सब में से किसने बेस्ट बनाया, मैं ये ढूंढता हूं कि मेरे मिक्स से किसने अच्छी एंट्री बनाई, बिकॉज़ वो चीज ज्यादा जरूरी है। जब भी आप गानों का रीमिक्स करते हो, रीमास्टर्ड वर्जंस निकालते हो, वी ऑलवेज मेक श्योर कि जो ओरिजिनल गाना था वो उससे बेटर होना चाहिए, तभी तो उसका फायदा है, बिकॉज़ आपके पास इतना अच्छा रेफरेंस ऑलरेडी है YouTube पे, अगर आप उससे बेटर नहीं बना पा रहे फिर क्या फायदा। एनी हाउ आई होप आप सब लोगों के लिए एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा होगा। नेवर्थलेस जिसको भी प्राइज नहीं मिला आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग अपनी एंट्री भेज सकते हैं मेरे को Instagram पे, और मैं पर्सनली आपको उस पे फीडबैक दूंगा कि ऐसा क्या रीजन था कि आपकी जो एंट्री थी वो टॉप 3 में नहीं आ पाई, बिकॉज इवेंचुअली हमारा मकसद मंथली कॉन्टेस्ट के थ्रू सीखना है, क्योंकि एनी हाउ मैं चाहता हूं कि आप इस नॉलेज को इस तरह से यूटिलाइज करें कि ऐसे एक क्या आप 10-10 प्राइज आगे लोगों को दे पाए। बॉय एंट्रीज तो काफी मस्त थी, लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आई। क्या अगर सेम ही प्राइस देना था तेरे को सबको, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड किस बात का।